तो हाँ जी, क्या हालचाल। तो भाई आज मैं करने वाला हूं दो स्मार्टफोन के बीच कंपैरिजन। एक स्मार्टफोन जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, नाम है OnePlus Nord 4, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस है 30,000 रुपीस। और इसी को टक्कर देने के लिए भाई साहब जबरदस्त स्मार्टफोन है जो कि टक्कर दे रही है, नाम है Realme GT 60, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस है 31,000 रुपीस। यानी देखा जाए ना, सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए का अंतर है। अब भाई 1,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर क्या Realme की तरफ जाना सही रहेगा, या फिर 1,000 रुपए बचा लें कार वार ऑफर लगा के भी क्या OnePlus Nord 4 की तरफ जाना सही रहेगा? कई लोगों कंफ्यूजन है, क्योंकि मेरे जानने वाले कह रहे हैं भाई साहब कि भाई तुम तो YouTube वीडियो बनाते हो, भाई किसके करना चाहिए, OnePlus Nord 4 या फिर Realme GT 60? कन्फ्यूजन कई लोगों को है, जो कि ये कन्फ्यूजन आपको दूर करने वाली है, ये वीडियो दूर कर देगी। सही जगह आए हैं आप, यदि आपको कन्फ्यूजन है ना तो सही जगह आए हैं। बस क्या करना, छोटा सा एक सपोर्ट करना है, जो कि मुझे भी मजा आता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है, मुझे थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाती है। खैर, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट अनूप, आप देख रहे खुद का टेक चैनल टेक्नो अनूप, क्योंकि आप हैं तभी तो मैं हूँ। तो हाँ जी, चलिए देखते कि आज की इस वीडियो में बाजी कौन मारती है, OnePlus या फिर Realme। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। अगर दोस्तों बिल्ड क्वालिटी की बात करें ना, तो जबरदस्त इस बार OnePlus कुछ यूनिक करने की कोशिश की है। जी हाँ, आप देखेंगे तो OnePlus के बैक साइड में आपको हाफ देखने को मिलता है, जो कैमरा लेआउट है वहां आपको ग्लास बिल्ड मिलती है और नीचे हाफ एल्युमिनियम बैक मिलता है, साथ ही एल्युमिनियम फ्रेम के साथ ग्लास फ्रंट। वहीं अगर बात करें Realme GT 60 की, तो यहां आपको ना पूरा प्लास्टिक बैक के साथ प्लास्टिक फ्रेम ग्लास फ्रंट देखने को मिलती है, तो यहां पर थोड़ा सा दिल टूट जाती है। भाई साहब 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दें और हमें क्या मिलता है, प्लास्टिक बैक। इस मामले में OnePlus तो बाजी मार जाती है, लेकिन फ्रंट में किस चीज की प्रोटेक्शन है, यहां पर OnePlus वालों ने दिल तोड़ दिया। अब कहीं मेंशन तो नहीं है, बताया जाए कि पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है फ्रंट साइड में, वहीं देखा जाए Realme वाले ने दे रखा है कोर्डिंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन। तो कम से कम कोर्डिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दे देते भाई OnePlus वाले, इतना जो मतलब इस प्राइस पॉइंट लॉन्च कर कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग करेंगे। अब OnePlus जानते हैं भाई साहब अपने यहां तो टेंपर ग्लास लगा के चलेंगे, तो भाई चलो पांडा ग्लास दे देते हैं। खैर, इस मामले में Realme बाजी मारती है। अब वेट थिकनेस आईपी के मामले में कौन बाजी मारता है, तो OnePlus का फोन का जो वेट है वह है 199.5 ग्राम, वही Realme में 191 ग्राम। OnePlus की थिकनेस है 8 mm, Realme का थिकनेस है 8.7 mm, वही दोनों में ही एग्जैक्ट सेम IP65 की रेटिंग देखने को मिलती है। देखा जाए ठीक है, कोई खराब भी नहीं है, 19-20 का फर्क है, चलता है। तो ओवरऑल देखा जाए बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो OnePlus बाजी मारता है, लेकिन प्रोटेक्शन के मामले में भाई साहब Realme बाजी मारती है, तो वो हम कॉम्प्रोमाइज कर लें, क्योंकि स्क्रीन इंपॉर्टेंट है, टूटे ना जल्दी भाई साहब। चलिए अब बात करते हैं दिखने में कौन सा बेस्ट है, इस मामले में बाजी कौन मारती है, OnePlus या फिर Realme। चलिए बात करते हैं डिजाइन की। तो दोस्तों डिजाइन की बात करें ना, तो दोनों में ही भाई साहब देखेंगे बैक साइड में डुअल कैमरा की हाउसिंग एलईडी फ्लैश के साथ, वहीं नीचे सेंटर OnePlus का लोगो, वहीं Realme की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। फ्रंट साइड की बात करें, सेंटर पंच होल के साथ आपको फ्लैट डिस्प्ले OnePlus में प्रोवाइड किया गया, वहीं कर्व डिस्प्ले Realme में प्रोवाइड किया गया है। तो देखिए सबकी अपनी पसंद है, मैं तो फ्लैट डिस्प्ले को ही प्रीफर करता हूँ, ज़्यादा कर्व मुझे सही लगता है, कि टेम्पर ग्लास में मिलता भी नहीं है। लेकिन बॉडी टू रेशियो बता दें तो 90% मिलता है बॉडी टू रेशियो OnePlus में, वहीं 92% मिलता है Realme में। तो देखा जाए दोनों जबरदस्त है इस मामले, वेजर चिन्ह दोनों ही बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, देखने को नहीं मिलता है, कंटेंट कंज्यूम करने में दोनों में ही मजा आने वाला है। लेकिन सवाल है कि भाई साहब दोनों में कलर कैसी है, तो OnePlus की बात कर यहां मिलता है सिल्वर ग्रीन ऑब्सिडियन मिडनाइट, और Realme में दो कलर हैं सिल्वर और ग्रीन। तो सबके अपने में कलर चॉइस है, पसंद कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल अभी कंटेंट कंज्यूम करने के मामले में बाजी कौन मारती है, OnePlus या फिर Realme। चलिए बात करते हैं डिस्प्ले की। तो दोस्तों बात करें OnePlus की ना और Realme दोनों की बात करेंगे, तो OnePlus देखने को मिलता है 6.7 इंच की 1.5K 10 बिट का टियानवा का U8 प्लस एमोलेड पैनल, वही Realme में 6.78 इंच की 1.5K 10 बिट का BOE S1 Pro XDR 8T LTPO एमोलेड पैनल, वही OnePlus में मिलता है 2772x1240 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, वही Realme मिलता है 2780x1264 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, वही दोनों में ही 22 का स्पेक रेशियो, वही दोनों में ही 450 ppi की पिक्सल डेंसिटी मिल जाती है। OnePlus में 2150 nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है, तो Realme में 6000 nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है, वही दोनों में ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, HDR10+ वाइड वाइन L1। तो देखा जाए तकरीबन दोनों में एग्जैक्ट सेम ही मिल रहे हैं डिस्प्ले जो है, लेकिन क्वालिटी फर्क है भाई साहब।
तियानवा का U8 Plus मिल रहा है, जो कि एक फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन ही मिड रेंज में देखने को मिलता है, लेकिन रियलमी में जो प्रोवाइड किया है ना, वो फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं, महंगे महंगे स्मार्टफोन में मिलते हैं भाई साहब। तो क्वालिटी देखिए, डिस्प्ले क्वालिटी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अब स्पेक्स देखेंगे तो भाई लगेगा कि दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तियानवा U8 बेस्ट है, अच्छा है टियानवा U8 Plus से, लेकिन इससे कंपेयर करेंगे तो BOE का जो है ना भाई साहब, जबरदस्त क्वालिटी है। तो भाई मैं Realme के डिस्प्ले को बोलूंगा, शानदार क्वालिटी प्रोवाइड करती है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में बताने के। दोनों में जब कंटेंट का जूम करेंगे, दोनों का कलर सेम है, इंडोर आउट की विजिबिलिटी में भी कोई दिक्कत नहीं है, 6000 नीट से कोई इतना रिक्वायरमेंट है नहीं, 2150 का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 18 तक मिल जाए, 16 मिल जाए बेस्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंडोर विजिट कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेटफ्लिक्स दोनों में सपोर्ट नहीं करती है, अमेजोन यूट्यूब खाली देख सकते हैं, HDR कंटेंट रख दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंटेंट का जो थोड़ा सा अच्छा मजा आता है रियलमी में यहाँ पर। हाँ, रिफ्रेश रेट टच से भी कॉम्बिनेशन शानदार है, सोशल मीडिया पेज स्क्रॉल करेंगे स्मूथनेस भी नजर आ जाती है, गेमिंग वेमिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल है कि भाई साहब गेमिंग करेंगे तो इस मामले में, मैंने परफॉर्मेंस के मामले में बाजी कौन मारता है, रियलमी या फिर वन प्लस? चलिए बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें ना, तो दोनों में ही भाई साहब एग्जैक्ट सेम प्रोसेसर यूज किया गया है, यानी कि दोनों को ही शक्ति देती है क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 3 प्रोसेसर। प्रोसेसर जबरदस्त है, कोई खराब नहीं है, 8 जेन 2 से ऊपर मिलता है, 8 जेन 3 के नीचे, यानी कि आप इसे कह सकते हैं 8S जेन 3 बोल सकते हैं, लेकिन जबरदस्त है, 4 नैनोमीटर के फैब्रिक से बनाया गया है, एनर्जी इफिशियंसी जबरदस्त है, हीटिंग ऑसो काफी कम देखने को मिलता है, लेकिन सवाल है कि थर्मल मैनेजमेंट का सपोर्ट जो प्रोवाइड करती है वो बेस्ट कौन सा करती है? तो वन प्लस की तरफ से थोड़ा सा अच्छा प्रोवाइड किया गया है, रियलमी से कंपेयर करेंगे रियलमी भी कोई खराब नहीं है, वेपर चैम्बर कूलिंग वहां भी देखने को मिलता है, थोड़ा सा बेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, देखा जाए दोनों सही है। कितना पावरफुल है, चलिए नजर डालते हैं इसके रॉ सेटअप। यहां मिलता है वन कॉर्टेक्स X4 जो कि 2.8 गीगाहर्ट्ज़ से क्लॉक किया गया है, 4 कॉर्टेक्स A720 जो कि 2.6 गीगाहर्ट्ज़ से क्लॉक किया गया है, और 3 कॉर्टेक्स A520 जो कि 1.9 गीगाहर्ट्ज़ से क्लॉक किया गया है। भाई साहब परफॉर्मेंस बटरी स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप 60 FPS तक गेमिंग भी कर सकते हैं, मिलता है Adreno 732 GPU साथ ही LPDDR5X RAM, UFS 4.0 वाला स्टोरेज देखने को मिलती है, रीड राइट की स्पीड नो डाउट शानदार होने वाली, लेकिन यहां दोनों ही कंपनी खेला खेल गई है। जी हाँ, बेस वेरिएंट जो है ना वो UFS 3.1 सपोर्ट करती है, इसकी जो हायर वेरिएंट्स है दोनों के ही वहां आपको UFS 4.0 देखने को मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, बाकी लोग कमेंट कर देते हैं, कंप्लेन करते हैं भाई साहब गलत इंफॉर्मेशन देते हो, भाई साहब सुन लेना जो मैंने बोला है। लेकिन 5G बैंड की बात करें तो वन प्लस मिलते हैं टोटल 9 5G बैंड, वहीं रियलमी मिलते हैं 13 5G बैंड। हमारे यहाँ तो दो ही 5G बैंड पे चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, जबरदस्त क्वालिटी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, 5G जो क्वालिटी है स्पीड है अच्छी मिलेगी। रही बात ऑन रोड स्कोर की, दोनों में आपको मिलते हैं लगभग क्या ऊपर नीचे थोड़ा सा होंगे 14,41,000, किसी में 14,35,000 देखने को मिले, तो देखा जाए 14,00,000 ऊपर चला जाता है, तो जबरदस्त क्वालिटी बटरी स्मूथ है, सुपर से ऊपर वाला परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, परफॉर्मेंस से कोई शिकायत नहीं आने वाली है। अब सवाल है कि दोनों ही फोन से यदि हम इमेज कैप्चर करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो उस मामले में क्वालिटी कैसी होने वाली है, चलिए बात कर लेते हैं कैमरा की। तो दोस्तों देखिए कैमरा की बात करें तो अभी फिलहाल जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरे पास अभी तक इसकी सैंपल नहीं आई हुई है, इसकी सैंपल आ जाएगी तो मैं आपको एडिटिंग के टाइम पे ऐड कर दूंगा, आप कंपेयर कर लेना, लेकिन मैं ऐसे बता दे रहा हूं जो मुझे पता चला है, मेरे यूजर्स जो मुझे जो टेस्टर एक हैं फ्रेंड है उन्होंने ले रखा हुआ है तो उनसे पता चला है, मुझे बता देता हूं दोनों में ही एग्जैक्ट सेम क्वालिटी देखने को मिलती है, मैंने कैमरा देखने को मिलती है, दोनों में 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर OIS सपोर्ट के साथ सोनी लाइट या 600 सेंसर, वही दोनों में ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस सोनी IMX355 सेंसर देखने को मिलता है। यहां पर 4K 60fps 1080p120fps पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और क्वालिटी के मामले भाई साहब Realme आगे निकलता है बैक कैमरे के मामले में, लेकिन फ्रंट के मामले में कोई और निकलती है, भाई साहब मन में चला सवाल आ गया होगा, यानी कि आपके खूबसूरत चेहरे को कैप्चर करने के लिए रील शॉट्स आने के लिए वन प्लस वालों ने प्रोवाइड कराया है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सैमसंग का 3P9 सेंसर, वहीं Realme में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सोनी का IMX615 सेंसर। अब ध्यान सुनिए, वन प्लस में केवल 1080p 30fps रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है, बट Realme में आपको 4K 1080p 30fps रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो भाई साहब देखिए कैमरा के मामले में ना, तो भाई मैं Realme को ही नंबर दूंगा कि यदि आप सेल्फी एल्फी फ्रंट कैमरा ज़्यादा यूज़ करते हैं तो Realme बेस्ट है, अदरवाइज़ OnePlus Realme से कोई चॉइस करिए कोई दिक्कत नहीं है, बट
सैंपल आ गया है तो आप देख सकते होंगे सैंपल, नहीं तो फिर मेरा चेहरा आपको दिख रहा होगा। सैंपल आने थोड़ा लेट है, एडिटिंग टाइम पर सैंपल आ जाता तो मैं लगा दूंगा, आप देख भी सकते हैं क्या है नहीं है। लेकिन भाई साहब यहाँ थोड़ा सा सोच समझ के ही आपको लेना पड़ेगा। कैमरा के स्पेशल ले रहे हो तो अभी आगे बताऊंगा, कंक्लूजन सेक्शन में आपको समझ में आ जाएगा। अब सवाल है कि दोनों ही स्मार्टफोन जान फूकने के लिए कितना एमएच की बैटरी मिल रही है, इस मामले में कौन बाजी मारता है, रियलमी या वन प्लस। चलिए बात करते हैं बैटरी की। दोस्तों बैटरी की बात करना तो दोनों में ही एग्जैक्ट सेम बैटरी मिलती है, 5500 एमएच की बैटरी। लेकिन वन प्लस में मिलता है 100 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट और रियलमी मिलता है 120 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट। दोनों में ही चार्जर बॉक्स देखने को मिलता है। लेकिन एक गेम है, वन प्लस वालों जब लॉन्च की थी, ग्लोबली लॉन्च हुआ था, तो ग्लोबली में चार्जर को हटा दिया गया है। लेकिन जब इंडिया में लॉन्च किया गया है तो चार्जर बॉक्स में दिया गया। समझ लो कितना ध्यान रखती भाई वन प्लस वालों, हटाया नहीं है, चार्जर है बॉक्स में, इंडिया के लिए स्पेशल दिया गया है। तो बैकअप शानदार कर देगा लेकिन चार्जिंग स्पीड आपको जल्दी चार्ज करता है रियलमी में। देखा जाए दोनों एग्जैक्ट सेम ही, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे मोटे है, चार्जिंग की स्पीड है। वैसे देखा जाए 120 हैंडेड कुछ ज़्यादा हो जाता है, मेरे ख्याल से 25-45 बेस्ट होता है। खैर अब बात करते हैं इसके सेंसर सिक्योरिटी प्राइवेसी की। तो भाई नो डाउट दोनों में ही अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक का ऑप्शन डेफिनेटली मिलता है। सेंसर में सारे सेंसर मिलेंगे, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सी फ्लैंज गार्ड, शटर पुटर, एनएफसी, आईआर ब्लॉकर सब मिलते हैं। यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, डुअल स्टूडियो स्पीकर मिलता है जो कि डॉल्बी एटमॉस ट्यूनिंग की जाएगी, साउंड जबरदस्त है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों में ही ना कोई 3.5 mm ऑडियो जैक, ना ही कोई कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है। अब बात करें इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोस्तों दोनों में ही लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के ऊपर आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है, बट ऑक्सीजन ओएस 14.1 मिलता है वन प्लस में और रियलमी यूआई 5.0 मिलता है रियलमी में। दोनों की यूआई की बात करें तो नीट एंड क्लीन आपको वन प्लस में देखने को मिलता है, कोई ब्लॉड वे नहीं है, रियलमी देखने को मिलता है, तो इस मामले में वन प्लस बाजी मारता है। और एक और मामला है जो कि वन प्लस को आगे निकालता है, यहाँ पर आपको 4 साल मिलेंगे एंड्रॉइड अपडेट और 6 साल मिलेंगे सिक्योरिटी पैच अपडेट। लेकिन रियलमी मिलता है 3 साल एंड्रॉइड अपडेट, 4 साल सिक्योरिटी पैच अपडेट, इस मामले वन प्लस बाजी मार जाता है। अब बात करेंगे कि वेरिएंट्स और प्राइस क्या होगी, क्या ऑफर से सब कुछ बात करेंगे। यहां तक मेहनत अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, केवल 200 का टारगेट है, पहुंचा दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली साथ, चैनल परिवार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए, आपके लिए फ्री होती है, थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाती है। चलिए बात करते हैं वेरिएंट्स और प्राइस की। तो दोस्तों बात करें वेरिएंट्स और प्राइस की तो पहले बात करेंगे वन प्लस नॉट 4 की। तो इसकी जो बेस वेरिएंट है वो है 8+120 है, जिसकी प्राइस है 29,999, 8+256 32,999, 12+256 35,999। अब इसकी सेल जो है वो 20 जुलाई से शुरू होगी Amazon इंडिया पर। इसके जो कार्ड ऑफर हैं वो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे। आपके पास कार्ड वार्ड है, क्रेडिट कार्ड, ICICI, HDFC, SBI का, तो आपको 3,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन वहीं बात करें Realme GT60 की, इसकी जो बेस वेरिएंट वो है 8+128 32,999, 12+256 32,999, 12+500 12,39,999। और यहाँ पर भी आपको कार्ड ऑफर 3,000 का डिस्काउंट मिल जाता है। अब सवाल है कि भाई साहब किसके तरफ जाना सही रहेगा, इसी के लिए आपके लिए ये सेक्शन बना हुआ है, नाम है कंक्लूजन। तो दोस्तों कंक्लूजन की बात करें ना, यहाँ आपको ना अच्छे समझ में आ जाएगा। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ आपको ना वन प्लस बाजी मारता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हाफ आपको ग्लास मिलता है, कैमरा लेआउट जहाँ पर है, और वहीं नीचे हाफ में आपको मिलता है एल्युमिनियम। माने इस बार लेआउट बदल दिया गया है, इतना खास मुझे लगा नहीं, लेकिन पूरा एल्युमिनियम बॉडी मिल रही है, वहीं रियलमी आपको प्लास्टिक मिलती है। जिस मामले में वन बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो वन प्लस बाजी मारता, लेकिन प्रोटेक्शन के मामले में रियलमी आगे मार जाता है। डिज़ाइन सबकी अपनी पसंद है, मैं नहीं कुछ बोलूंगा, यहाँ वन प्लस मुझे ज़्यादा अच्छा लगा नहीं है, रियलमी कुछ खास लगी नहीं, दोनों में कंपेयर करें तो रियलमी ही ठीक है, वन प्लस से मुझे अच्छा तो रियलमी ही लगा, लेकिन डिज़ाइन मुझे वाकई में मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। हाँ डिस्प्ले के मामले में नो डाउट रियलमी बेस्ट है, परफॉर्मेंस दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा के मामले में मैं स्लाइटली बेटर रियलमी को ही बोलूंगा, यहां पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। बैटरी के मामले में भी मैं कहूंगा दोनों बराबर है, हाँ चार्जिंग स्पीड तो ज्यादा है तो रियलमी आगे मारता है, सॉफ्टवेयर के मामले में वन प्लस बाजी मार जाता है। अब सवाल है देखिए जाना किसके तरफ चाहिए, आप 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा के ना आप रियलमी GT60 के ही तरफ चले जाओ, रियलमी के चक्कर में रह गए हो तो रियलमी GT60 बेस्ट है, क्वालिटी डिस्प्ले क्वालिटी जबरदस्त है, वन प्लस से अच्छा है यहां पर, ठीक। फ्रंट कैमरा भी शानदार है, रियल भी कोई दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस शानदार है, बैटरी अच्छा दे रहा है, तो मेरा ओपिनियन रहेगा कि वन प्लस को छोड़कर आप रियलमी GT60 की तरफ जा सकते हैं, शानदार है। लेकिन मैं कहूँगा अभी वेट कर लीजिए, अभी ये दिवाली और दशहरा ऑफर आएगा,
उसमें आपको ऑलरेडी डिस्काउंट मिल जाएंगे, अच्छे खासे डिस्काउंट मिलेंगे, तभी आप परचेस करना। मेरा ये ओपिनियन रहेगा, अभी ना परचेस करके ना थोड़ा सा और रुक जाओ, अभी बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च होंगे, अभी ऑनर वाले भी लॉन्च करने वाले हैं, तो भाई वीडियोस पे भी आएगा, तो आप देख सकते हैं, तो वेट कर लीजिए, मेरा यही जमाना रहेगा। यदि रियलमी GT 60 के चक्कर में कुछ और सोच रहे हैं तो फिर OnePlus 12R सबसे बेस्ट है, उस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, कंपेरिजन वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे ख्याल से रियलमी GT 60 बेस्ट है आपके लिए। फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप परचेस करेंगे तो किसके तरफ जाएंगे, OnePlus या फिर रियलमी, कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं तो भाई रियलमी GT 60 की तरफ जाना चाहूंगा। और OnePlus Nord 4 के साथ और किस स्मार्टफोन के साथ चाहते हैं कंपैरिजन वीडियो, आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो बन जाएगी, आपका नाम भी डिस्प्ले वहां पर हो जाएगा, मैं नाम देता हूं किसने मतलब रिक्वेस्ट किया है तो बता सकते हैं। लेकिन आपसे मुझे पूछा ना वो बताना कि आप किसके जाएंगे, OnePlus या फिर रियलमी, जरूर कमेंट करें, कमेंट करते रहिए, कमेंट करेंगे आप ही को मोटिवेशन मिलता है, मुझे तो मिलता है क्योंकि कमेंट करेंगे उतने चांसेस इंक्रीज होते हैं पैसे कमाने के, क्योंकि मंडे टू सैटरडे के वीडियो जितना कमेंट आता है, संडे वाले वीडियो में नाम अनाउंस किया जाता है, दो विनर का नाम अनाउंस करेगा इस बार, क्योंकि पिछले संडे को मैं नाम अनाउंस नहीं कर पाया था, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो मैं पर्सनल है बताऊंगा बाद में जब मौका मिलेगा। तो कमेंट करते रहिए, कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।